रहे कि बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, प्लीज़ इसका वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा इसके वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, हर तरह की जानकारी देता है। तो बताइए देखिए कि कितना गर्व का बात है कि हमारा गोमिया मार्केट में 32 साल से लगा रहा है इडली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आई होप कि सब मस्त होंगे। सो अभी बज रहे सुबह के 8 और अभी हम जा रहे हैं इडली खाने के लिए, गोमिया मोड़ का फेमस इडली, काफ़ी फेमस इडली वहाँ का। तो आप लोग ब्लॉग में तक बने रहिएगा, तो चलिए फिर चलते हैं। ये रहा हमारा बाइक बाहर में। तो चलिए अभी इसे स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से, बाइक हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं मार्केट, तो चलिए गाइस अभी आप लोग को लेके चलते हैं इडली का दुकान में। देख सकते हैं पब्लिक का रिएक्शन कुछ इस तरह है। तो देख सकते हैं यहीं पे इडली लगाते हैं अंकल। अंकल कैसे हैं, मस्त है ना अंकल? यहाँ पे आप कितना साल से इडली लगा रहे हैं भाई? 32 साल हो गया। अच्छा, 32 साल हो गया। इस गोमिया मार्केट में सबसे ज़्यादा इडली आप ही का फेमस है ना? अच्छा, बहादुर इडली। आपका नाम बहादुर हुआ ना अंकल? आपका टाइमली क्या है सुबह से? 6:30। अच्छा, सुबह 6:30 से लेके 10 बजे तक। अच्छा, और इसमें कितना पीस इडली ले लेता अंकल? इसमें 600 पीस। अच्छा, इसमें रेगुलर आप 700 पीस लेके इडली लेके आते हैं ना? अच्छा, और क्या क्या है इडली के साथ में, और क्या क्या रखे हैं? चटनी है, चना दाल बादाम का। ये चना और बादाम का चटनी है ना? और ये पानी है, मसाला है। अच्छा, ये दोनों मसाला हो गया आपका। अच्छा, ये झाल के लिए है ना? अच्छा, और भी कुछ अलग से चटनी रखे हैं क्या? ये सब छोटे छोटे डब्बों में रहता है। अच्छा, अभी तो देख रहे हैं आपके पास मतलब इडली ख़त्म हो चुका है। हाँ, टाइम हो गया आपका ना, ये अभी लास्ट ये इडली बचा हुआ है, बाकी सुबह से पूरा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आइस इस गोमिया मार्केट में सबसे ज़्यादा अंकल ही का इडली बिकता है यहाँ पे क्या अंकल? सबसे ज़्यादा अंकल ही का यहाँ पे इडली बिकता है, और सुबह से इनका टाइमली है जो आप लोग को बता ही दिए। और देख सकते हैं ये रहा इधर सब्जी मार्केट, और इसके बगल में जस्ट अंकल लगाते हैं अपना इधर बाइक में अपना इडली का दुकान, देख सकते हैं। और इधर बगल में पीपल का पेड़ है, तो अगर आप लोग कभी आना चाहोगे तो आप लोग आ सकते हैं अंकल के पास। तो चलिए अंकल मेरे लिए इडली बनाइए आप। तो गाइस अभी अंकल इडली बना रहे हैं मेरे लिए, तो अभी देखते हैं खा के उसके बाद आप लोग का टेस्ट बताते हैं। यहाँ अंकल इडली काट रहे हैं, देख सकते हैं। ये गया हमारा चटनी इसमें। ये तीखा करने के लिए ना? अच्छा, तो चलिए हमारा इडली बन के आ चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इडली खाते हैं, उसके बाद आप लोग को टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। चलिए यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं और यहीं पे खाते हैं फिर। और गाइस इसका टेस्ट का बात करें तो गाइस काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फाइनली गाइस अभी हमारा इडली खाना हो चुका है, और यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हैं खाने के लिए, तो चलिए उनसे बात करते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक अंकल आए हैं खाने के लिए, तो इनसे बात करते हैं। क्या अंकल, यहाँ पे आप रेगुलर आते हैं खाने के लिए? नहीं, मेरा घर तो चतरा पड़ा। अच्छा, मतलब गोमिया मार्केट में सुने फेमस इडली यहाँ पे ना इनका? हाँ। टेस्ट कैसा इडली का? बहुत अच्छा है। बढ़िया है ना? हाँ। तो क्या रेगुलर आएंगे खाने के लिए? हाँ, जब भी आ रहे हैं गोमिया तो खाने आ रहे हैं। यहाँ पे अंकल जो है ना, ये जो इडली लगा, बहादुर जी नाम है समझे, ये 32 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। 32 साल से लगा रहे ना अंकल? 32 साल। अच्छा, पहले स्कूल में लगाते थे। तो बताइए देखिए कि कितना गर्व का बात है कि हमारा गोमिया मार्केट में 32 साल से लगा रहा है इडली। पहले PMS पे लगाए। अच्छा, 20 मॉडर्न स्कूल में। अच्छा, 10 साल वहाँ बेचे, सब जगह पे हो गया बेचने के लिए, तब जाके अपना यहाँ स्थाई करते हैं। एक जगह पे यहाँ पे अपना रुक के सुबह के टाइम में एक बेचने लगे ना? चलिए बढ़िया बात है, गर्व का बात है कि आप यहाँ पे 32 साल से यहाँ पे इडली बेच रहे हो। हाँ, तो अंकल आपका मतलब सबसे ज़्यादा इडली मतलब यहीं पे लोग खाते हैं, या फिर आपका शादी वगैरह में बुक भी जाता? नहीं, बुक भी जाता। शादी का टाइम में कितना पीस इडली निकाल लेते हैं आप? वही 500,000। गाइस अभी अंकल को पैसा देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। लीजिए अंकल पैसा पकड़े।
तो आप कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक के लिए? हमारे पब्लिक के लिए मेरे पास पब्लिक तो बहुत है, बेचने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। बस सीधा सुबह आना है 6:30 से 9:30 बजे तक अपना रहते हैं। आपका ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन कोई इडली नहीं बिका होगा? नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स बिकना ही बिकना। फिक्स है मेरा डेली, मतलब 700 पीस अंकल इडली अपना बेच देते हैं। सुबह इनको बुलाएंगे हम 8:30-9 बजे। बोल रहे हैं कि भीड़ के टाइम में एक बार आइएगा, क्योंकि अभी तो टाइम ओवर हो गया, इसलिए यहाँ से लोग भी खा के जा चुके हैं, देख सकते हैं। तो गाइस इधर का साइड में गाइस आए थे, यहाँ पे भैया कुछ बुलाए थे, भैया लोग देख सकते हैं। हाँ भैया, क्या बोले थे आप लोग? बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, प्लीज़ इसका वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा इसके वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका मेहनत का फल मिले। गाइस आप लोग का झारखंड का हर एक कोना का इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोग के लिए हम बनाते रहेंगे, और इनका वीडियो सबसे अच्छा लगता है। चलिए आप भी देखते हैं ना, हर तरह की जानकारी देता है ये अपना ये गोमिया के एरिया, जिससे मैं हर तरह के मतलब लोगों के पास जानकारी पहुंचाना। उसके बाद फिर वहां से देखने के बाद हमको, जैसे कि वहां पे देखे थे, ये अभी हम वीडियो बनाए थे इटली के पास वहां पे, तो इन लोग भैया लोग हमको देख रहे थे, तो वहां से आप बुलाए थे हमको, तो इन्हीं भैया लोग के पास में अभी आए थे। तो चलिए भैया, अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, और आप लोग भी भैया सपोर्ट कीजिए हमको कि गोमिया का नाम रोशन करने सके और पूरा झारखंड का मतलब नाम रोशन करने सके, और आप लोगों के लिए अच्छा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके हम आते रहेंगे। तो चलिए गाइस अब यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं घर, उसके बाद आप लोगों को फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस इडली खा के आ चुके हैं अभी घर, और गाइस काफ़ी मज़ा आया गाइस पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करके और पब्लिक लोग से बात करके। तो गाइस आप लोग के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाते रहेंगे हम। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपना प्यारा सा उंगली से, और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिएगा हमारे इसी तरह का इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।